तारीफ की थी ये भी डॉक्टर, कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप दिखा सकते मुझे? आप दिखा सकते, आप दिखा सकते मुझे? तो मेरे पास नहीं। तो आप जो बोलदाम लगा रहे मुझ पे, इंडिया में लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले देखिए करो। कुरान की आयतें है, कुरान की आयतें सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6। अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना आप बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है। सवाल नहीं लगा मैं आपसे। हाँ, अभी आप सवाल पूछे, पहले इल्जाम लगा देते। अभी सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, इल्जाम लगाने का तरीका अलग होता है। आप जो जोश में, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में ही बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलती है। पूरा सेंटेंस दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ। आप, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़। मेरे फेसबुक पे 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ फैंस है। आप बोलिए, अगर मैं इंस्पायर करता हूं तो कम से कम मिलियन टेररिस्ट होना चाहिए। आपको 5 या 10 नाम मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरे तकरीर से लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम की तरफ आने के बाद कई लोग दूसरे के भड़कावे स्पीच में आके इनोसेंट मुसलमान, बेगुना मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मैं जानता हूं जो भड़कावे स्पीच देते हैं और बेगुना मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर मुस्लिम का कत्ल करो आपको जन्नत मिलेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उनसे मुतासिर होके मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जितने मेरे फैन है 100% मुझे मानते हैं, कुछ 80% मानते हैं, कुछ 60% मानते हैं, कुछ 20% मानते हैं। तो इस्लाम के करीब लेके आने के बाद वो दूसरे लोग के तकरीर से मुतासिर होकर अगर गलत काम करते तो मुझे थोड़ी दोषी गिरा सकते। चैलेंज करता हूँ मैं आज तक को, इंडिया टुडे को, बाकी कोई भी चैनल को, कि आप भड़का भी स्पीच मैं ही देता हूँ। आप मेरी कोई भी स्पीच चलाओ, पूरी स्पीच चलाओ 100% विदाउट एडिटिंग, और फिर वोटिंग लो #, हू इज द टेररिस्ट, करो दम है तो इसको बोलते दम। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मजहब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुभान होता है नाजिल की, कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए।